आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी दूंगी हरियाणा ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के बारे में। भर्ती में कितनी वैकेंसी पोस्ट जारी हुई है, भर्ती के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, क्या इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी होंगी, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस लिंक को मैं ओपन करके आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। जानकारी के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलती हूँ, gayatrijobs.com पे, हरियाणा ग्रामीण डाक सेवा भर्ती। तो ये भर्ती अब जारी हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स 608 वैकेंसी पोस्ट के लिए सभी एलिजिबल और विलिंग कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया पोस्ट सर्कल डिपार्टमेंट के द्वारा आप इस वैकेंसीज के लिए 8 जून से 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट का नाम इंडियन पोस्ट सर्कल है, पोस्ट का नाम ग्रामीण डाक सेवक GDS है और ये वैकेंसीज नंबर प्रोवाइड्स कराएंगे कैटेगरी वाइज। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड ओनली पे होगा एंड लास्ट डेट अप्लाई की 7 जुलाई है। एप्लीकेशन फ़ीस OC और OBC EWS मेल ट्रांसमैन की 100 रुपये और फीमेल वुमेन PWD की 0 है। एज लिमिटेशंस हैं वो है 18 ईयर्स और 40 ईयर्स मैक्सिमम। तो इस तरह से अपर एजलाइजेशन कैटेगरी वाइज प्रोवाइड्स कराई हैं, आप चेक कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स आप ऑफिशियल लिंक ओपन कीजिए, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कीजिए। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन वैकेंसी जुड़ी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।